वाली हूँ एक क्रिस्पी रवा डोसा। बंद रहता है सब बार, कुछ मिलता नहीं है। बच्चों लोग पूछते हैं घड़ी घड़ी क्या चाहिए, जो हम रोटी जो बिस्किट देते हैं उन्हें पसंद नहीं आता है। इसके लिए हम आपके लिए लाए हैं एक नया रेसिपी। इसे बनाने के लिए हमें 1 कप चावल का आटा, 1 कप रवा और 2 टेबलस्पून मैदा और 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर, और जो मसाला में ये जीरा, कुटी हुई 1-10 काली मिर्च, ये बारीक कटा हुआ आधा प्याज और ये कड़ी पत्ते कटा हुआ कड़ी पत्ते और हरा धनिया, 1/4 चम्मच हींग और 1/4 चम्मच नमक। अब हम क्या करेंगे, ये सब आटा बनाने के लिए पहला हम चावल का आटा डालेंगे, फिर रवा डालेंगे, फिर ये मैदा डालेंगे और ये कॉर्नफ्लावर 1 चम्मच और उनको सब मिलाएंगे। ये सब अभी हम मिक्स करेंगे और ये जो नमक है हम डाल देते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं ताकि गुठलियाँ नहीं बने। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम सबको मिलाएंगे और एक सख्त आटा बनाएंगे। हमें पूरा गुठली जाना चाहिए। दो कप मैंने पानी डाला हुआ है और एकदम पतला बैटर बनाने का है इसको। और हमें और भी हमें पानी डालना चाहिए इसको, जो पतला बटर बनाने का है। हमें 3 कप पानी ले लिया मैंने और ये कंसिस्टेंसी थोड़ा जाड़ा है, हमें और थोड़ा पानी डालना चाहिए। अब ये 10 मिनट के लिए हमें रवा फूलने के लिए रखते हैं। देखिए ये कंसिस्ट। अब हम उसमें 1/4 चम्मच जीरा, 10 काला मिर्च कुटा हुआ, आधा प्याज और ये जो कड़ी पत्ते धो के मैंने काट लिए वैसे ही, एक धनिया धो के मैंने काट लिए और ये 1/4 से थोड़ा सा कम हींग, ये सब मिला लेते हैं। कंसिस्टेंसी हमें यही रखना है, ज़्यादा पतला करेगा तो डोसा नहीं बराबर आ जाएगा, यही कंसिस्टेंसी हमें रखना है। और नमक हम चख लेते हैं, ठीक है। और हमें इन्हें 10 मिनट हम इधर रख देते हैं। और हम क्या करेंगे, इनके चटनी पीसेंगे। मैंने 1/2 कप नारियल और ये जो इमली और 2 कटा हुआ मिर्च और 1/2 इंच अदरक कटा हुआ और 2 लहसुन, ये बड़े बड़े लहसुन है, 2 लिया और 1/4 प्याज, 1/2 प्याज डाला। अगर प्याज आप नहीं खाते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब हम सब इनको मिलाएंगे। में डाल देंगे ये 2 के काट लिया मैंने कोथमीर डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक, यानी कि 1/4 चम्मच नमक डाल दिया मैंने। और हम इसमें पीने का पानी डालते हैं क्योंकि चटनी के लिए पीने का इतना पानी डालते हैं।
और हम एक जार में डाल के पीसते हैं। अब हम ये निकालेंगे और ये बोल में डाल देंगे। हमें पानी नहीं डालना, सूखा ही इसे लेना, यही कंसिस्टेंसी रखना हमें। हमें बड़ा गैस नहीं रखना, हम दो चुटकी डाल के देखेंगे। अब हम ये आटा ऐसा घुमाएंगे, क्योंकि ऊपर पानी रहता है, घुमाएंगे और इस कटोरी का सहायत से हम इन्हें लेंगे और तुरंत डाल देंगे, आँच बड़ा करेंगे। जब नीचे ब्राउन होने तक हम आँच बड़ा करेंगे। अभी हम तेल नहीं डालेंगे, क्योंकि वो पकना है, तेल डालेगा तो क्रिस्प इतना नहीं होता है। अब हम इनको बाजू से ये ब्रश से तेल डालेंगे। हम लोग स्पून में तेल डालेगा तो बहुत ज़्यादा होता है, इसके लिए ब्रश से इस तरह हम लोग तेल डाल देंगे। हमने ढकना नहीं चाहिए, इसमें से ही वो क्रिस्पीनेस आ जाता है। अब हम निकालेंगे, देखिए कितना मज़ेदार डोसा हो गया। ये देखिए, अब हम धीमा रखेंगे, तेल ब्रश से पूरा पैन को मिलाएंगे और हमें ऊपर जो मिलाना है, जो चम्मच से पूरा हमें मिलाना है। और हम इससे लेंगे एक कटोरी और इसे डाल देंगे। हमें एक ही सेकंड में डाल देना चाहिए। आंच को बड़ा करेंगे और क्रिस्प होने तक पकेंगे, पकना चाहिए, फिर हम बाजू में तेल डाल सकते हैं। ये थोड़ा पका नहीं है, अब हम तेल डालना नहीं चाहिए, जब थोड़ा क्रिस्प होने तक। और इसमें थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे, अभी गैस धीमा करेंगे। अगर आपको ये डोसा पसंद आएगा तो आप मीनास किचन में हमारा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और भी वीडियोस मेरा आते रहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।